शुरुआत लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से। आज 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग का आंकड़ा जहां पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रहा, तो उसी से सटे बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई। अब सवाल यह है कि बिहार की 4 सीटों पर हुई सबसे कम वोटिंग किसके लिए खतरे की घंटी है? देखिए यह खास रिपोर्ट। ...2024 की चुनावी जंग के पहले दौर के लिए जनता ने अपना फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड कर दिया है। 102 लोकसभा सीटों पर पूरे दिन जबरदस्त वोटिंग हुई। कहीं अहले सुबह से बूथों पर वोटरों की कतार लगी थी, तो कहीं चढ़ते सूरज के साथ मतदान केंद्रों पर लोगों का तांता बढ़ता गया। कोई शादी से पहले मतदान के लिए पहुंचा, तो कोई शादी के ठीक बाद। देश के लिए जिम्मेदारी निभाने का जज्बा गजब का दिखा। उम्र किसी के लिए दीवार नहीं थी, जिम्मेदारी निभाने में बुजुर्ग युवाओं से पीछे नहीं रहे। मैदान हो या रेगिस्तान, पहाड़ हो या समंदर का किनारा, पूरा भारत एक रंग में रंगा दिखा। रंग चुनाव का था और जिम्मेदारी मतदान की थी। शाम होते होते देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनता ने 1625 उम्मीदवारों की किस्मत तय कर दी। 18वीं लोकसभा चुनाव के चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पर जीत के दावों की होड़ दिखी। देश की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से तय किया है कि इस बार कोई गलती नहीं करनी है, किंतु परंतु नहीं, अब की बार मोदी जी आप खूब कोशिश करो हमें मिट्टी में दबाने की, लेकिन हमारी आदत है बार बार उगने की। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। छिटपुट हिंसा की गिनती की घटनाओं को छोड़ दें, तो मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। सबकी नजर वोटिंग प्रतिशत पर थी, इसके आंकड़ों का सबको इंतजार था। पहले दौर की वोटिंग के साथ ही देश भर की करीब 19% सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब दूसरे दौर का मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार ने तूफानी रफ्तार पकड़ ली है। अब आपको चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए मतदान के ताजा आंकड़ों के बारे में बता दूं। शाम 7 बजे के डेटा के मुताबिक पहले दौर में देश भर में 60.03% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान का औसत 57.66% रहा। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 53.65% वोटिंग हुई। बिहार की बात करें तो यहां की 4 सीटों पर 47.74% मतदान हुआ। राजस्थान की 12 सीटों पर 51.16% वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान का आंकड़ा 63.50% रहा। महाराष्ट्र की 5 सीटों पर 55.29% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर 77.57% वोटिंग हुई। असम की 5 सीटों पर 71.39% वोटिंग हुई। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 62.19% वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर 65.08% मतदान हुआ। यह बात आंकड़ों की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।